बीबीएमबी कर्मचारियों ने चीफ इंजीनियर की मौजूदगी में पोंग बांध पर बुधवार शाम को एक एक फुट के 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा है। वर्तमान में पोंग बांध का जलस्तर 1388.47 फीट तक पहुंच चुका है और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश का अंदेशा होने के चलते बीबीएमबी प्रशासन द्वारा पोंग बांध का पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था, जिससे पोंग बांध के सभी 6 गेट एक एक फुट खोल दिए हैं, जो सिपलवे के माध्यम से 7422 क्यूसेस पानी छोड़ा गया है। ट्रवाइन के माध्यम से पहले ही बिजली बनाने के लिए 12061 क्यूसेस पानी छोड़ा जा रहा है। इस तरह से पोंग डैम में सिपलवे और ट्राइवन के माध्यम से करीब 19500 क्यूसेस पानी पोंग बांध से बाहर छोड़ा गया है। इस संदर्भ में बीबीएमबी प्रशासन द्वारा एक पत्र जारी कर कांगड़ा प्रशासन सहित होशियारपुर प्रशासन को अलर्ट किया जा चुका है। मौके पर पोंग बांध के प्रशासनिक अधिकारी आरएस राठौर ने बताया कि हिमाचल में अगले दिनों बारिश होने के आसार के चलते लोगों को अलर्ट कर पोंग बांध के 6 गेट खोले गए हैं और इससे भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर बारिश होती है तो पोंग बांध में और पानी आने की जगह बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रशासन और लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। वहीं हल्का दसूहा विधायक अरुण मिक्की डोगरा ने कहा कि बीबीएमबी कर्मचारियों की देखरेख में पानी छोड़ा गया है और डैम के निचले हिस्से के लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। वहीं बीबीएमबी कर्मचारी यूनियन प्रधान विजय ठाकुर ने कहा कि पोंग बांध के निचले इलाके के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और उन्हें पानी के किनारे ना जाने की सलाह दी है। फतेहपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।